अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़वेरिया का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ जी बिन दाऊद मार्केट। ये हरम के बहुत करीब है, इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ और साथ में इसके प्राइस लिस्ट भी आपसे मैंशन करूँगी। ये मार्केट शायद मैं ना दिखा पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि जितने लोग यहाँ आते हैं उन्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो दिखाऊँ। चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर है जी लबन वगैरह। लबन है जी यहाँ पर 1 रियाल 50 हलाला, और अगर बाहर से लेते हैं तो ये सब 2 रियाल का मिलता है। ये जी फ्लेवर्ड मिल्क है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क, और ये है 2 रियाल का। अलमराई के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, स्पेशली जो लोग आते हैं, जैसे योगर्ट हो गया, फ्लेवर्ड योगर्ट, फ्लेवर्ड मिल्क, और लबन तो बहुत ही सबको पसंद होता है। दूसरी कंपनी है जो यहाँ पर नादिक, और इसकी भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो अलमराई को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हूँ जी मैं। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं प्राइस ना मेंशन कर पाऊँ तो आप जो है वो ख़ुद ही देख लीजिएगा। नेस्ले सेरेलेक जो है वो है 35 रियाल का। जो बच्चों के साथ आते हैं उनके ये बड़े सवाल होते हैं। ये बेबी बिस्किट्स हैं 22 रियाल के। इसके अलावा जो बच्चों के साथ आते हैं वो एक्ट वगैरह लेते हैं, ये होगा जी 33 रियाल का। ये है जी यमामा डोनट्स, और ये मिल्क है जी 6 रियाल का, 1 लीटर 6 रियाल का। गैलेक्सी चॉकलेट जो है वो है जी यहाँ पे ये 17 रियाल की। इसके अंदर 5 होंगे शायद 35 ग्राम के। और इसके अलावा ये जो ओरियो केक है ये है 2 रियाल का। जो लोग आते हैं वो इस तरह का हलीब मिल्क ले लेते हैं बच्चों के लिए, या जिनको ख़ुद लेना होता है तो ये फ्रेश मिल्क ये लोग बोलते हैं। वैसे तो फ्रेश मिल्क मिलता है अलमराई का भी और नादिक का भी, इस तरह की पैकिंग में होता है और वो सिर्फ 2 दिन की एक्सपायरी होती है। ये हैं जी शूज़ वग़ैरह, ये हैं 53 रियाल के, वो भी 53 रियाल के, ये 30 रियाल के हैं। और ये बहुत अच्छे कंफर्टेबल हैं, ये 75 रियाल के हैं। अगर आपको यहाँ पे शूज़ की ज़रूरत हो, चप्पलों की ज़रूरत हो, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ की वैसलीन वगैरह सबको बहुत पसंद होती है, तो ये है जी 34 रियाल का, इसका ये पैक 450 ml का। उसके अलावा जो छोटा है 100 ml का 14 रियाल का है, और ये इस पे लिखा है कोकोआ बटर, लेकिन ये अभी दूसरी कोई पड़ी हुई है, लेकिन ये जो नॉर्मल जेली है वैसलीन ये है 12 रियाल का, और ये है 14.95 यानी कि 15 रियाल का। इतने लोग मॉइस्चराइज़र वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए है जी ये 38 रियाल के निविया, और 41 रियाल ये फ्लेवर्ड, और इस तरह डिफरेंट उसके हैं, कोकोआ बटर, नेचुरल ग्लो, ये जॉनसन्स के भी हैं। प्राइस आप देख लें, अगर मैं सबके नाम भी बता पाऊँ। ये है जी स्क्रब, फेस वॉश वगैरह, क्लीन एंड क्लियर, लेकिन ये अगर हमारे यहाँ से पाकिस्तान से ख़रीदेंगे तो हमें इससे कम रेट में ही मिलेंगे, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है हमारे लिहाज से। लेकिन अब ये बात मैं कहूँगी कि हो सकता है यहाँ पे ओरिजिनल हो। ये हैं जी शैम्पूज, अच्छा जी यहाँ पर आ जाते हैं चॉकलेट में। ये है 21 रियाल का पैक इसका, और ये फिज रोल है इस तरह के, ये मामूल इसको आई थिंक मामूली बोलते हैं, ये इंजीर वाले होंगे। वैसे इसमें डेट्स भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं।
और ये एक जी ₹4.95 हलाला यानी कि 5 रियाल का होगा। ये डाइजेस्टिव बिस्किट है जी 17 रियाल का। ये वेफल्स हैं 7 रियाल। ये ओरियो बिस्किट है जी 1.25 रियाल हलाला। ये है जी बच्चों की मोस्ट फेवरेट M&M's 5 रियाल्स की। ये कॉफ़ीज़ हैं जी 52 रियाल्स 20 रियाल्स 52। ये 5 रियाल्स का है कंडेंस्ड मिल्क 5.95 रियाल। ये है जी अलमराई का मिल्क, ये है 4 रियाल मतलब 3.50। और हलीब का 3.95। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये आई थिंक सो हमारे यहाँ अभी नहीं आई है। ये पिस्ताशियो की टॉपिंग है और ये किसी भी डेजर्ट के ऊपर बहुत मज़े की लगेगी। ये है जी 25 और 27 रियाल्स, फ्लेवर पर डिपेंड कर रहा होगा। इसके अंदर एक ये कंडेंस्ड मिल्क भी है, उसके अलावा चॉकलेट टॉपिंग भी है एंड पिस्ताशियो है। आपके साथ जी बच्चे हैं तो ये फ्रूटी शेप्स हैं 34 रियाल्स के। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स हैं जी 27 रियाल्स के। इधर भी नेस्क्विक के हैं जी 29.50 यानी कि 30 रियाल्स के। अब आ जाते हैं जी खजूर पर, ये 28 रियाल्स की हैं। ये सगई डेट्स हैं और ये है 400 ग्राम्स। ये है 26 रियाल्स की मबरूम सुकरी है। और सबके अलग अलग प्राइस हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं। इसमें ये इस तरह पैक्ड होती हैं कि अगर आपने किसी को पैक्ड ही गिफ्ट करनी है लेकर जाकर तो आप अच्छे से दे सकते हैं। और ये वाली जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये इस तरह के 10 रियाल वाले पैक्ड भी बने हुए हैं। इनमें मतलब डब्बे का वज़न नहीं होगा, ये जस्ट इतनी ही होगी, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। अजवा है जी 18 रियाल्स, 59 रियाल्स, 48 की सुकरी है। अच्छा जी, ये कैशियो के और पिस्ताशियो के पैकेट्स हैं। ये है 16 रियाल का, ये भी 16। ये पीनट्स हैं 6 रियाल के मतलब 7 रियाल का। और ये इस तरह के जार्स भी हैं, इसमें सीड्स हैं डिफरेंट। ये हैं जी हनी शहद, और ये अलग डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये 38 37, ये 21, ये भी 20, ये 13, ये 21, ये 8, ये 10, 25, 60, 48, 30, 48, 85, 49, 18। ये हलवा है, इसको क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ पतीसा टाइप लग रहा है। ये जी 16 रियाल का मतलब 15.50 मामूल है। ये मुझे बहुत बहुत पसंद आए थे। लास्ट टाइम मैं ये काफ़ी सारे लेकर गई थी अपने पापा के लिए, और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। ये बिस्किट्स हैं ऊपर और अंदर डेट्स डेट का पेस्ट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बिस्किट्स वगैरह हैं जी, ये बहुत फ्रेश होते हैं और आप बहुत अच्छे से इनको इन्जॉय कर सकते हैं। और ये सब ऐसे ही है कि नाश्ते वगैरह में किसी को चाहिए है तो वो ले ले और खाए मज़े से। पर जी ये जैतून है ऑलिव्स, और इसके डिफरेंट प्राइसेस हैं, आप देख लें जी। मेरी मोस्ट फेवरेट जे मिरिंडा सिट्रस, अभी तक मैं आई हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है, मैंने अभी तक नहीं पिया, और वहाँ पर मैं इसको बहुत याद करती हूँ, तो इंशाल्लाह अभी लेते हैं इसको भी। ये देखें जी मिनरल वाटर की बॉटल्स कितनी ही कोई हसीन है।
ये सब पानी है और साथ में जो है वो जूसेस हैं, 2 रियाल। और इसका ये वाला जो पैक है ये 11 रियाल का है, ये 2 रियाल का है। स्टारबक्स की कॉफ़ी भी है जी, लेकिन इसके प्राइस नहीं पता। स्टारबक्स की जो ये वाली कॉफ़ी है इसके 12 रियाल्स की है। और जी ये मिरिंडा सिट्रस 3 रियाल की है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। और ये हूँ जी मैं, और वो पीछे है मेरी मम्मा रानी जी, 2 रियाल का है। ये है जी फ्रेश फ्रूट चाट, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, मिक्स भी है। अगर आप सिर्फ कोई एक फ्रूट लेना चाहते हैं, आई थिंक सो ये मैंगो है, तो इस तरह भी मिल रहा है। मिक्स फ्रूट्स भी हैं, चॉप्ड फ्रूट्स हैं बेसिकली, कि अगर आपने फ्रूट खाने का दिल है तो बस ये लें और खा लें। इसके प्राइस हैं जी 10 रियाल। और ये अनार हैं, ये मिक्स्ड हैं, मज़े के लग रहे हैं जी। ये यहाँ के जी थर्मस है, ये 99 रियाल्स का है जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये 89 का है, 49 का है, 49, 59, 49, 78, 59। ये है जी 12 रियाल। ये है जी 5 रियाल मामूल। अगर आपने किसी को पैक देना है इस तरह का गिफ्ट, तो ये बहुत प्यारा है। बिस्किट्स है विद डेट्स है, तो ये मैं किसी को बहुत अच्छा सा आपने पैक बना के देना हो तो आप ये भी साथ में ले सकते हैं। और इसमें चॉकलेट, जो ब्राउन चॉकलेट कोकोनट डेट्स है, ये है जी 11, मतलब 12 रियाल्स। इस तरह जी ये वाटरमेलन है, ये स्वीट मेलन है, और ये फ्रूट्स हैं, ये आइसक्रीम्स वगैरह हैं, बल्कि बिस्किट्स, ये जो केक सैंडविचेस हैं, आइसक्रीम्स वो हैं। ये है जी कैश्यूज, ये ग्रिल्ड कैश्यूज हैं, और ग्रिल्ड कैश्यूज विद स्किन। ये आप प्राइस देख लें जी, ये कॉर्न्स हैं, पीनट्स हैं, ये 89 किलो हैं, 89, 99, 79, 76। ये जी इस तरह का पैक्ड है 10 रियाल का। ये वाली जो है टॉफ़ी बहुत ही अच्छी होती है, सबने तकरीबन खाई होगी शायद। ये जी इन सब चीज़ों के प्राइस हैं, आप देख लीजिए। ये जी चिकन है, चीज़ है, लबना है, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान की जो ग़िज़ा है वो इतनी अच्छी नहीं है ओरिजिनल। ये जो है जी ये भी मामूल है, डेट्स बिस्किट, बहुत ही मज़े के होते हैं ये। ये हैं जी फ्रूट्स, अगर आपने खाना है अपने होटल रूम में ले जाएं, और ये इस तरह तमाम फ्रूट्स की प्लेट्स बनी होती हैं, आप इस तरह ले सकते हैं और अपने होटल में लेकर जाकर फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं। आगे मैं और भी फ्रूट्स दिखाती हूँ। मिक्स फ्रूट की जो है वो भी प्लेट होती है, ये जैसे कि मिक्स फ्रूट की प्लेट है, ये 32 रियाल्स की है, और इसके अंदर सब कुछ है, जैसे पीच है, स्ट्रॉबेरी है, ये पता नहीं क्या है, इसके अलावा बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। पहले जब आई थी तो ये इस तरह की एक प्लेट, फ्रूट इससे थोड़ा कम होता था, लेकिन इस तरह की एक प्लेट 10 रियाल की होती थी। ये है जी 12 रियाल। ये ड्राइड फिश है, 40 रियाल, 700 ग्राम्स। ये जी है नेशनल के मसाले, प्राइस आप देख लीजिए जी। यहाँ पर जी बैग्स वगैरह भी हैं,
इस तरह के बैग्स हैंड कैरी वगैरह के लिए अगर आपको लेने हों लेडीज़ सेक्शन में, और यहाँ पर प्राइसेस चेक करते हैं क्या हैं जी। ये हैं जी हैंड बैग्स, ये वाला 97 रियाल का है, और किसी जिसके प्राइस नज़र आएंगे, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसके प्राइस क्या है अम्मी, इसको वो करना नहीं, हाँ इसके प्राइस हैं जी 173 रियाल्स, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट ना करें तो ही ले सकते हैं। इसके भी देख लें जी 218 रियाल्स, ये जी छोटा है, इसके प्राइस है 65 रियाल्स, 120 रियाल्स में। एक एक चीज़ के तो प्राइस नहीं दिखा पाऊँगी, तो थोड़ा दूर से मैं एक लुक दे देती हूँ। ये है जी टोट बैग्स, और ये है 97 रियाल्स का, ये भी है जी 97 रियाल्स का। ये हैं जी ट्रैवलिंग किट्स, और ये बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन प्राइस भी इनके बहुत अच्छे होंगे जी। ये है 65 रियाल्स की, सबके आई थिंक अलग प्राइस होंगे। इसके प्राइस मेंशन नहीं, इसके प्राइस है जी 64, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सबके प्राइस अलग हैं जी, जो पसंद आए ले लें, जो आपकी रेंज में आए। ये जी क्रिस्टन डायर, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं, उस तरह का बैग बनाया हुआ है, बस नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे हमारे यहाँ कुछ अलग ही कर देते हैं। ये 105 का था और अभी 89 का मिल रहा है। ये है जी 174 रियाल्स का, छोटी प्यारी सी बच्चियों के लिए भी हैं जी बैग्स, ये भी हैं जी ट्रैवलिंग। ये जी छोटी छोटी सी बच्चियों के लिए प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। ये है जी मनी बॉक्स, ये है 6 रियाल का, ये है 7 रियाल का, ये है 9 रियाल्स का, ये भी 7 रियाल्स का, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। इस पे सारे जो है वो रियाल्स बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रुपीज़ और मतलब इस पे तमाम करेंसी के नोट्स बनाए हुए हैं तकरीबन, तो प्यारा लग रहा है। ये है जी वॉलेट्स, और इनके प्राइस एक के भी देख लेते हैं तो अंदाज़ा हो जाएगा जी, 20 रियाल का है। ये है जी ग्लासेस 32 रियाल्स के, 32 रियाल्स के, और ये जो है वो नंबर वाले ग्लासेस हैं। सन ग्लासेस बहुत हसीन है, लेकिन प्राइस भी उतने ही होंगे। ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, इसी एक के, ये 26 रियाल्स का है, ये 43 रियाल्स का है, ये 26 रियाल्स का है। ये है जी ओवरऑल लुक। अच्छा जी, बहुत ज़रूरी चीज़ अगर आप भूल आएँ तो वो ये है जी नेल कटर, 9 रियाल का, 15 रियाल के, और 11 रियाल का, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, 13 रियाल का। ये कितनी खूबसूरत तस्बीह है जी 19 रियाल की, और ये 25 रियाल की, बहुत ही हसीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 11 रियाल की, ये देखें जी, ये है 36 रियाल की। ये चीज़ सिज़र है, आप बाल काटने के लिए भूल आएँ तो ले लें।
यहाँ पर चेयर्स है जी, इसके प्राइस हैं जी 55 रियाल। ये मार्केट जी बहुत ह्यूज है, पूरी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपको दिखाया है। ज़्यादातर वो चीज़ें जो लोग या तो लेकर जाएं या अपने लिए ख़रीदें, तो अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो बिन दाऊद क्लॉक टावर में है मैं वो भी दिखाऊँगी, ये मक्का टावर में है और क्लॉक टावर वाला भी ज़रूर दिखाऊँगी। ये है जी बिन दाऊद, एक रास्ता इसका ये है जो अंदर से आएगा, हम यहीं से निकलेंगे, एग्ज़िट सिर्फ यही है, लेकिन यहाँ से एग्ज़िट एंट्रांस दोनों है, जो मेन अब्दुल अजीज़ गेट के सामने पड़ता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्रांस है, एग्ज़िट नहीं है। एग्ज़िट सिर्फ यही है, कैश काउंटर सिर्फ इसी पर है, मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। ये जब आप शिरका मक्का के गेट से अंदर आएंगे, यानी कि KFC के थोड़ा सा पास जो गेट बना हुआ है, और यहाँ पर ये हाउस ऑफ डोनट्स है, तो यहीं पर है जी बिन दाऊद, और यहाँ पर काफ़ी सारी और शॉप्स हैं, लेकिन एक जो अच्छा सा जो मार्ट है वो यही है बिन दाऊद, और आप यहाँ पर आकर अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से जी मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि शिरका मक्का यानी कि मक्का टावर के किस तरफ है ये। ये देखें जी हम कहाँ निकल गए हैं, इतनी खूबसूरत जगह पर, मंजर इतना प्यारा है। ये देखें जी, ये एक तरफ है अब्दुल अजीज़ गेट, एक तरफ है फहद गेट, आप उनके बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो ये है KFC, और KFC के पास ये है जी गेट जहाँ से मेरी मम्मा आ रही हैं। ये है जी शिरका मक्का यानी के मक्का टावर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फी अमान।